नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि जिन ग्रहों की आपकी महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, क्या उनसे आपको शुभ फल मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है कि अशुभ ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही है, ऐसी स्थिति में आपको क्या उपाय करना चाहिए? इसके साथ ही सक्सेस मंत्र में जानेंगे कि अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो क्या करके घर से निकले ताकि आपको उसमें सफलता मिले। साथ ही अगर आप कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, जमीन खरीदने जा रहे हैं, घर खरीदने जा रहे हैं, फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो क्या करके निकले ताकि आपको सफलता की प्राप्ति हो। साथ ही शुभ मंगल सावधान में जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ होगा, किस राशि वाले के लिए मंगलमय होगा और किस राशि वाले को आज सावधान रहना होगा। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी, दिनांक 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 3:04 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि अशुभ ग्रहों की महादशा चल रही है तो उसका क्या प्रभाव होता है और उससे कैसे बचे। पंडित जी, शुरुआत कर लेते हैं सूर्य से। अगर सूर्य की अशुभ दशा चल रही है किसी की कुंडली के अनुसार, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, जीवन को समझने के लिए कुंडली में शुभ और अशुभ दशाएं बराबर मात्रा में आती रहती है। शुभ भी आता है, अशुभ भी आता है, लेकिन जब अशुभ ग्रह की दशा आती है तो जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अगर सूर्य की अशुभ दशा आपकी चल रही है तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है, पहले वो समझिए। सूर्य की दशा अगर अशुभ चल रही है तो हृदय रोग होने की संभावना, नेत्र रोग होने की संभावना या अपयश मिलने की संभावना बहुत होती है। कार्डियो प्रॉब्लम, आंखों की समस्या, बदनामी का संकट, हड्डियों की समस्या सूर्य की अशुभ दशा में होती है। अगर सूर्य की अशुभ दशा है और परिणाम आपको बुरे मिल रहे हैं तो इसके निवारण के लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू करिए, ये बहुत जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा सूर्य मंत्र का जप करिए और सूर्याष्टक नाम की एक पुस्तक आती है, आप सूर्य मंत्र का जप करना चाहें, ओम घृढ़ि सूर्याय नमः, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो सूर्याष्टक का भी अगर आप नित्य प्रातः पाठ करें तो उसके शुभ प्रभाव, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और सूर्य की अशुभ दशा आपको इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि अशुभ ग्रहों की दशा चल रही है तो उस स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, सूर्य के बारे में तो आपने बता दिया, अगर चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही किसी की कुंडली में तो वो लोग क्या करें? चंद्रमा की जब अशुभ दशा चलती है तो परिणाम बड़े तेजी से मिलते हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत तेजी से बदलता है, परिवर्तित होता है। अब अगर चंद्रमा की अशुभ दशा आपके जीवन में चल रही है, चंद्रमा आयु कारक है, आयु को कंट्रोल करता है, चंद्रमा की अशुभ दशा चलेगी तो अपमृत्यु, जीवन मरण का संकट पैदा होगा, हृदय की समस्या, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मानसिक दिक्कतें, ये सब आदमी को परेशान करने लगती हैं।
चंद्रमा की अशुभ दशा होती है तो मन में बेवजह मृत्यु का भय या मृत्यु की चिंता भी परेशान करती है। इसके निवारण के लिए पूर्णिमा को चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ दे, संभव हो तो पूर्णिमा का व्रत रखें और पूर्णिमा को चंद्रमा संबंधी वस्तुओं का दान करें। और चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही हो तो भगवान शिव की पूजा करें, खास तौर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करें या चंद्रशेखर अष्टक, चंद्रशेखर अष्टक, इसका नियमित रूप से शिव जी के समक्ष पाठ करें तो चंद्रमा की अशुभ दशा का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं होगा। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर ले। जी जी, सबसे पहले बात मेष राशि की, मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, आज का दिन मेहनत से भरा रहेगा, धन लाभ के योग दिख रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात वृष राशि की, शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, करियर में काम में सुधार के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मिथुन राशि की, बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, दूसरों के साथ वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अशुभ दशाएं किस तरीके से हमारे जीवन पर असर डालती हैं और उनसे बचने के लिए क्या उपाय करें, पंडित जी से हम जान रहे हैं। पंडित जी, अगर मंगल की अशुभ दशा चल रही हो तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? मंगल से वैसे ही लोग डर जाते हैं। देखिए, मंगल की जब अशुभ दशा चलती है तो चोट चपेट, ऑपरेशन, सर्जरी, खून खराबा, इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल अनुकूल ग्रह नहीं है, अशुभ स्थान का स्वामी है और मंगल की अशुभ दशा चल रही है तो परिणाम क्या होते हैं? परिणाम होते हैं दुर्घटनाएं होने लगती हैं, बार बार चोट लगती है और चोट में खून निकलता है, शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन, सर्जरी होती है और कारावास, जेल जाने के योग बन जाते हैं या बेवजह मुकदमेबाजी, झगड़े झंझट की शुरुआत हो जाती है। अगर मंगल की दशा अशुभ परिणाम दे रही है तो इसके निवारण के लिए संकल्प लेकर के बैल का, वृषभ का दान करें और हर मंगलवार को निर्धनों को भोजन कराएं, बहुत अच्छा होगा।
आपको ऐसा लगता होगा कि मंगल संबंधी समस्याओं के लिए हनुमान जी की पूजा करें, लेकिन अगर मंगल अशुभ परिणाम दे रहा हो तो कुमार कार्तिकेय, जिनको दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम स्वामी या मुरुगन स्वामी कहते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए अगर मंगल अशुभ परिणाम दे रहा है तो। कुमार कार्तिकेय की पूजा करने से मंगल के अशुभ परिणाम पूरी तरह से भंग हो जाते हैं और मंगल की जो स्थिति है वो निगेटिव फल नहीं देती है। मंगल की अगर अशुभ दशा चल रही है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, पंडित जी ने बता दिया। पंडित जी, अगर बुध की अशुभ दशा चल रही हो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? प्रवीण जी, बुध सबसे पहले जो काम करता है अपनी खराब दशा में, वो आपके दिमाग को बुरी तरह कंफ्यूज कर देगा। आप उल्टे सीधे गलत निर्णय लेंगे, अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। अगर बुध की अशुभ दशा चल रही हो तो आदमी मूर्खतापूर्ण निर्णय लेता है, गलत डिसीजन लेता है, उस गलत डिसीजन की वजह से आर्थिक क्षति होती है, पैसों रुपयों का नुकसान होता है, कभी कभी मानसिक रोग होते हैं और कभी कभी त्वचा की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम व्यक्ति को परेशान करती है। बुध जो है वो ब्रेन का मालिक है, ब्रेन स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम या बुद्धि का काम ना करना या चीजों को भूल जाना, ऐसा बुध की अशुभ दशा में बहुत होता है। बुध की अगर अशुभ दशा चल रही है तो इसके निवारण के लिए तुलसी के पत्तों से, तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करिए। और बुध कितना भी अशुभ क्यों ना हो, नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर आप नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बुध की जो अशुभता है वो अशुभ स्थिति निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। अब बात कर्क राशि की, चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, पारिवारिक उलझने आपकी सुलझ जाएंगी, करियर में कोई नया अवसर आ सकता है, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात सिंह राशि की, सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, सिंह राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी सिंह राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? जी, सिंह राशि आज धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, चली आ रही तमाम समस्याएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की, बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी, संपत्ति की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं,
वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल से पहले बात कर लें कि आप आगे सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताने वाले हैं कि यदि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकले ताकि आपको सफलता की प्राप्ति हो। इसके साथ ही शुभ मंगल सावधान भी देखिएगा, उसमें पंडित जी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ होगा, किस राशि वाले को आज बहुत सावधान रहना होगा। और ऐसा क्यों अवश्य देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी आगे बताएंगे कि आप अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं को कैसे दूर करें, अगर कोई भ्रम है तो उसे कैसे दूर करें, डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन होता है ऐसा क्यों में। अब सवाल की बात कर लेते हैं। यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए, अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दीजिए, वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न हमें स्वाति जी ने लिखा है और स्वाति जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। स्वाति की जन्म तारीख है 17 अगस्त 1981। जन्म का समय सुबह के 6:55 और जन्म का स्थान है वाराणसी। में लिखती हैं लखनऊ से। स्वाति लिख रही हैं कि पारिवारिक जीवन में मुश्किलें बहुत चली आ रही हैं। हालांकि मैं अच्छी नौकरी करती हूं, जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ समय से पति के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए या क्या उपाय करना चाहिए कि मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। स्वाति, जो आप सोच रही हैं कि मैं सेपरेशन लेकर के अलग हो जाऊं, ऐसा निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंतजार करिए अपने जन्मदिन तक। अगस्त 2024 के बाद से आपके पारिवारिक जीवन की स्थितियां निश्चित रूप से बेहतर होंगी, निश्चित रूप से आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला के ठीक रहेगा। सेपरेशन का निर्णय लेना इस समय किसी भी हिसाब से सही नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहने। दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं या निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करें। अगर आप ये उपाय करना शुरू करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय करें ताकि उस अशुभ ग्रह की दशा का आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव ना हो। पंडित जी, बहुत सारे ग्रहों के बारे में आपने बता दिया, बृहस्पति ग्रह जो कि शुभ माना जाता है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में ऐसी पोजिशन में बैठा है कि अशुभ रिजल्ट दे रहा है, उसकी अशुभ दशा चल रही है, तो ऐसे में क्या करें? प्रवीण जी, शास्त्र कहता है कि शनि की अशुभता को तो रोक सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की अशुभता को रोकना बड़ा कठिन काम है। कुछ कुंडलियों में फंक्शनल मैलिफिक होता है, जैसे मिथुन लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है, फंक्शनल मैलिफिक है बृहस्पति, नुकसान पहुंचाएगा। अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चलने लगे तो असाध्य रोग होते हैं, कैंसर हो जाता है, हेपेटाइटिस बी हो जाती है, या आंतों की लीवर की पोजीशन बहुत बिगड़ जाती है, बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। बृहस्पति बड़ी और गंभीर बीमारियां देता है। अब अगर बृहस्पति की अशुभ दशा है और आप उसके प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो इसके निवारण के लिए धर्म स्थान में, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, वहां पर दान करना अनुकूल होता है। साथ ही साथ
गुरु के रूप में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप उन्हीं की शरण में जाइए, और अगर कोई गुरु नहीं है तो गुरु के रूप में भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अशुभ ग्रह की दशाएं यदि चल रही हैं तो उस स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, अगर शुक्र ग्रह की अशुभ दशा चल रही हो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें? शुक्र भी प्रवीण जी एक शुभ ग्रह है, इसलिए जब अशुभ फल देता है तो अशुभता थोड़ी ज्यादा होती है। शुक्र अगर अशुभ परिणाम आपको जीवन में देगा तो अपमान होगा आपका, अपयश मिलेगा, आंखों की समस्या होगी, यूरिन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की समस्या शुक्र की अशुभ दशा में पैदा होती है। शुक्र आम तौर पे डायबिटीज भी पकड़ा देता है, लेकिन ज्यादातर यूरिन और किडनी के फंक्शंस पर बुरा प्रभाव डालता है। अगर शुक्र की अशुभ दशा है तो भगवान शिव की पूजा माता गौरी के साथ, माता पार्वती के साथ करिए, साथ ही नियमित रूप से लिंगार्चन करिए, शिवलिंग की पूजा करिए, रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, भगवान शिव के मंत्रों का जप करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब बात तुला राशि की, शुक्र की ये राशि है, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, सेहत की समस्या हो सकती है, नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृश्चिक राशि की, मंगल की ये राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याओं को आप सुलझा लेंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा पीला। अब बात धनु राशि की, बृहस्पति की ये राशि है, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी, लेखन और शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, बड़ी जिम्मेदारियां और बड़े अवसर इस समय प्राप्त होंगे। एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मंगलवार को यदि सर्जरी कराएं तो अच्छा रहता है? प्रवीण जी देखिए, जो दिनों का संबंध ज्योतिष मानता है वो अलग अलग ग्रहों से मानता है। मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। मंगल जो है वो ज्योतिष में सर्जरी का कारक है। मंगल प्रभावित करेगा जीवन को या केतु प्रभावित करेगा, जो मंगल के स्वभाव का ग्रह है तो सर्जरी की संभावनाएं बन जाएंगी। ऐसी स्थिति में मंगल चूंकि सर्जरी का स्वामी है और आप मंगलवार को अगर सर्जरी कराते हैं
तो ज्यादातर संभावना यही रहती है कि आपकी सर्जरी सफल होगी। इसीलिए मंगलवार को सर्जरी कराना बहुत अच्छा है। राहु काल मंगलवार को दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में होता है। इस समय को छोड़ करके आप मंगलवार को सर्जरी कराएं तो बहुत बेहतर होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अशुभ दशाएं किस तरीके से जीवन पर असर डालती हैं, और यदि आपकी कुंडली के अनुसार किसी ग्रह की अशुभ दशा चल रही है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, अब शनि की बारी आ गई। अगर शनि की अशुभ दशा चल रही हो तो शनि वैसे ही लोग सुनकर के डर जाते हैं, खतरनाक ग्रह है, और अगर उसकी अशुभ दशा भी चल रही हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें? अगर कोई ग्रह अशुभ फल ना दे तो नियम कहता है कि शनि ही अशुभ फल देगा, शनि ही मारक होगा, यानी ये बेसिकली नकारात्मक फल देने की पूरी योग्यता रखता है। अब शनि की दशा चल रही हो, वो भी अशुभ दशा, तो क्या प्रभाव हो सकते हैं? अपमृत्यु, सडन डेथ, दुर्घटना और लंबी बीमारियां जैसे पैरालिसिस की प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, इस तरह की समस्याएं शनि देता है। शनि अगर अशुभ परिणाम दे रहा हो तो स्वर्ण का दान, सोने का दान करना चाहिए, और हर शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए सरसों के तेल का। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जप करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीयमामृतात्। संकल्प लेके नियमों के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का रोज 11 माला जप करते जाइए। प्रभु शिव से प्रार्थना करिए, आपकी रक्षा अवश्य होगी। पंडित जी, आपने शनि के बारे में बता दिया कि अगर शनि की अशुभ दशा चल रही हो तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें। राहु केतु ये भी बड़े डराने वाले हैं। अगर राहु केतु की अशुभ दशा हो, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? प्रवीण जी, राहु केतु का अपना तो कोई रोल होता नहीं है, इसीलिए राहु केतु की जब अशुभ दशा चलती है तो बड़े अजीब से परिणाम मिलते हैं, बड़े विचित्र परिणाम, क्योंकि उनका कोई भौतिक अस्तित्व है नहीं। इसीलिए ज्यादातर राहु केतु की अशुभ दशा में काल्पनिक समस्याएं होती हैं, इमेजिनेटिव प्रॉब्लम। अगर आपकी राहु की या केतु की दशा चल रही है अशुभ दशा, तो आकस्मिक घटनाएं जीवन में घटती हैं, सडन प्रॉब्लम्स जीवन में पैदा होती हैं और विचित्र बीमारियां होती हैं। राहु की नकारात्मक दशा चले, बीमारी आपको शरीर में कोई नहीं निकलेगी, डॉक्टर कहेगा सब ठीक है, फिर भी आपको बीमारी महसूस होगी, यानी ये विचित्र स्थिति बना देते हैं जीवन की। समझ में ही नहीं आता कि समस्या का कारण क्या है और निवारण क्या है। राहु या केतु की अशुभ दशा चल रही हो तो एक बार शिव मंदिर में चांदी के सर्प दान करने चाहिए, एक राहु के लिए और एक केतु के लिए। राहु को शांत करने के लिए भगवान भैरव की पूजा करें, काल भैरवाष्टक जितना पढ़ सके उतना अच्छा है, और केतु के लिए भगवान गणेश की पूजा करें, जितना गणपति सहस्त्र नाम का, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकें उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, मकर राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? जी, मकर राशि, करियर में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं, नया काम आपका शुरू हो सकता है, पारिवारिक तनाव आपका समाप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।
अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि वाद विवाद से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम टालने से आज बचें, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन आपका और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि करियर में लाभकारी परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग दिख रहे हैं, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी आज लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1 आज आपके लिए करियर में सफलता के योग हैं। नंबर 2 आपकी मानसिक स्थिति में आज सुधार होगा। नंबर 3 धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 4 आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नंबर 5 वाद विवाद से आज बचिएगा। नंबर 6 स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। नंबर 7 आज काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ा रहेगा। नंबर 8 व्यर्थ की दौड़ भाग आज रह सकती है। और नंबर 9 आज प्रयास करेंगे तो आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। अगर आप शुभ समय में ऐसा करते हैं तो संपत्ति से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं में सुधार होगा। अब समय हो गया है सक्सेस मंत्र जानने का। पंडित जी आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो एक लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करिएगा, प्रार्थना करिएगा इंटरव्यू में आप सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह 3 हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है तो हनुमान जी को तिलक लगाइएगा और वही तिलक स्वयं को लगाइएगा, चिकित्सा में आपके लाभ होगा। और अगर आज गाड़ी खरीदनी है, जमीन खरीदनी है, कोई बड़ी मार्केटिंग करनी है तो नारंगी रंग का रुमाल अपने साथ रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय है शुभ मंगल सावधान जानने का।
पंडित जी आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ होगा, किस राशि वाले के लिए मंगलमय होगा और कौन सी राशि वाले सावधान रहे। बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। हर महत्वपूर्ण काम आज करने का प्रयास करें, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की समस्याएं हल होंगी। और आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को। स्वास्थ्य को लेके सावधान रहें, बेवजह के तनाव और बेवजह के विवाद से बचें, अपने खान पान का ध्यान रखें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।